ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अनुसूचित जाति मोर्चा के इस बड़े सम्मेलन में, जहां आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, अभी योगी जी ने आपके सामने अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए और अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम चले थे उसके बारे में जहां तक जिक्र किया, तो साथ ही साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों और बहनों के लिए योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं, लंबे समय तक भारत की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा। ये इनके इन प्रकारें समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। यह हमने 51 और 52 में कह दिया। हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है, तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा, इस बात को हम लोगों ने कहा था। और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे, तभी समाज का विकास होगा, इस बात को ध्यान में रखा गया। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के नारे हमेशा खंडित करने वाले रहे और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा हमेशा सबको
समाहित करने वाला योजना लेकर के चले, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और अभी मोदी जी ने कहा ज्ञान, ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति का सम्मान होगा, तो समाज आगे बढ़ चलेगा और सबकी ताकत साथ मिलकर के चलेगी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके साथ इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी पंचतीर्थ की चर्चा हुई, ये पंचतीर्थ की याद क्यों नहीं कांग्रेस को आई, जो भारत रत्न भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी उपेक्षा की गई, उनका उपहास किया गया, उनको दरकिनार रखा गया, उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये कांग्रेस का इतिहास है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब जो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी हमेशा उपेक्षा की गई और उनको संविधान सभा में चुनने का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। यह इतिहास में दर्ज है कि मुंबई से संविधान सभा की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को हराया था और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए, चुनने के लिए उनको बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से वो चुन करके आए। यह इतिहास में दर्ज है। यह इतिहास में दर्ज है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया और नेहरू जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और भीमराव अंबेडकर जी को एक बार नहीं, दो दो बार चुनाव हराने का काम किया। यह इतिहास में दर्ज है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी के समय में संसद के अंदर उनकी तस्वीर लगने के लिए जगह की कमी पड़ गई, जगह की कमी पड़ गई। यह इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस पार्टी के शासकों ने कहा कि नहीं, यहां पर हमारे लिए संसद में भीमराव अंबेडकर की चित्र लगने के लिए जगह की कमी है। ये जब जनता दल की सरकार आई तब जाकर के काम हुआ। यही नहीं, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। नेहरू जी ने अपने आप को, खुद को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, खुद ही अपनी कुर्सी पर रहकर के अपने लिए भारत रत्न लेते रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि आपने याद रखना, जो आज कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाइयों को वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की, सही मायने में चिंता की। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं, कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। हमारे जब हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार, तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष जीसी बाल योगी दलित, वो पहली बार अगर अध्यक्ष और स्पीकर बने तो वो अटल जी की सरकार में बने। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तब बने
जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक बने, तब जाकर के हुआ। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार बनी तो तब बनी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हमारे प्रथम सेवक हैं, उनके नेतृत्व में बनी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की कि हम सिर्फ नारों में विश्वास करते हैं, हम सही मायने में दलितों की तस्वीर और तकदीर बदले इसकी चिंता करते हैं। और जब हम कहते हैं कि सही मायनों में बदलना चाहिए तो योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मसात करने की कोशिश की गई। और जब मैं योजनाओं की बात करता हूं तो योजनाएं बिना आर्थिक दृष्टि से नहीं चलती हैं। आज यहां कौशल किशोर जी बैठे हैं, एसपी बघेल जी बैठे हैं, सत्यनारायण जतिया जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है, 90% बजट बढ़ा दिया गया, यानी दुगना बजट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना के तहत 31,000 गांवों को लिया गया, 31,000 गांवों को, और 31,000 गांवों में 35.5 लाख लोगों की चिंता की गई है ताकि उनकी जीवन सुधर सके, ये हम जान सके, ये हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से अगर मैं पिछड़ी जाति के दृष्टि से जो स्कीमें चली हैं उन स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला विषय आता है शिक्षा का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैट्रिकुलेशन से पहले शिक्षा के दृष्टि से वजीफा स्कॉलरशिप देने के काम को बढ़ाया, तो उच्च शिक्षा के लिए भी वजीफा बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरीके से छात्रों के रहने के लिए भी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत लगभग 173 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 16,000 बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रावास बनाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया ताकि बच्चा शिक्षा ले सके। इसके साथ साथ फ्री कोचिंग का जो एससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष उसका लाभ उठा सकते हैं, इस काम को भी आगे बढ़ाया गया। और उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया मोदी जी के नेतृत्व में कि ताकि उसमें भी उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसकी चिंता की गई। आपको जानकर के खुशी होगी कि मुद्रा योजना के लाभ उठाने में हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों की संख्या 18% से ज्यादा है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि योगी जी ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं जिस स्कीमों के तहत लोगों को जोड़ने का काम चला है। और अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वहीं 1.5 करोड़ लोग हमारे किसान अनुसूचित जाति से हैं जिनको किसान सम्मान निधि में जोड़ा गया है और उनको व्यक्ति को सहायता दी गई है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, यह आकर के आज देश की स्थिति खड़ी हुई है। उज्ज्वला योजना में जहां लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, वहां हमारे दलित बहनों को 35% गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला है, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में शायद नहीं आया होगा, आप लोग कहते हैं धारा 370 हट गई। धारा 370 हटने का मतलब क्या हुआ? धारा 370 हटने का मतलब यह हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, उनको अब रिजर्वेशन मिल गया है और वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धारा 370 के कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा
जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसी में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश में कोई एससी कैटेगरी की सीट नहीं थी, कोई एसटी कैटेगरी की सीट नहीं थी। पर अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। यह है परिवर्तन, यह है मोदी जी का संदेश, यह है देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए काम करने का तरीका, और यह है मजबूत भारत को आगे बढ़ाने का तरीका। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया, तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया है, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर योगी जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अभ्योदय कोचिंग योजना को चलाया है, जिसके माध्यम से अब दलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा अब कोचिंग लेकर के वो उच्च नौकरी को पद प्राप्त कर सकेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सामूहिक विवाह की योजना बनाई और उस सामूहिक विवाह योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो हमारा गरीब दलित भाई है, जिसके विवाह की योजना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमी पड़ती थी, उसको भी मुख्य धारा में लाकर सामूहिक विवाह में जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हर दृष्टि से उस विकास का फल आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, इसकी चिंता की जा रही है। ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको ताकत दे सके, इसको ध्यान में रख करके किया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल ही जीवन योजना हो, ये सारी योजनाएं भारत के आम आदमी को, जो पिछड़ गया था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही हैं, और देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बन गया है। आपको जानकर खुशी होगी, आपका आशीर्वाद 2024 में मोदी जी को फिर से मिलेगा। यहां भी हम 80 की 80 सीटें, आपके आशीर्वाद से कमल खिलेगा और भारत में, देश में, दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने बताया आपको कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आ गई है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बारीकियों को गहराई से समझें। मैं आज इंडी अलायंस की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बात आप ध्यान में रख लो, ये चाहे इंडी अलायंस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अनुसूचित जाति की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलित भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है
तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने से इनका मतलब है, इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? आप बताइए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हरियाणा में चौटाला परिवार परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश डिंपल मुलायम परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बिहार में लालू राबड़ी मीसा तेजस्वी तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बंगाल में पीसी भाईपो बुआ भतीजा अभिषेक ममता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तेलंगाना में केसीआर केटीआर कविता भाई दामाद बेटा बेटी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तमिलनाडु में करुणानिधि स्टालिन उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, महाराष्ट्र में शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शिवसेना उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश के खिलाफ गोमती फ्रंट का केस चलता है कि नहीं चलता है? लैपटॉप का केस चलता है कि नहीं चलता है? आप बताइए, लालू के खिलाफ चारा घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, ममता के खिलाफ ममता के सर मंत्री भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? उनके घरों से नोट की गड्डियां निकली कि नहीं? आप बताइए, ये केसीआर की बेटी कविता पर केस है कि नहीं? आप बताइए, ये भ्रष्टाचार में सारे लगे हैं कि नहीं? ये कांग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस, ये परिवार को बचाने की पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का जो मुहिम चल रहा है उससे बचने वाली पार्टियां हैं, ये या तो बेल पर है या जेल में है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं एक नाम लेना भूल गया, बताइए, केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए, केजरीवाल ईडी के नोटिस से बच रहा है कि नहीं? मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, इनको जेल और बेल की यात्रा में लगे रहने दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में आप पूरी ताकत से कमल खिलाइए, देश को आगे बढ़ाइए, मुख्यधारा में शामिल हो जाइए।